3, 2, 1 and go. दोस्तों मेरा नाम है भाविन, आप देख रहे हो ऑटो रेव्स और आज मेरे पास है ब्रांड न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का हाइब्रिड वेरिएंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस कार के डिजाइन के बारे में, फीचर्स के बारे में, स्पेस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, ये कार आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं उसके बारे में। बाय द एंड ऑफ द वीडियो इस गाड़ी की प्राइसिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट कौन सी कार बाइक स्कूटर आप देखना चाहते हो ऑन द चैनल वो आप मुझे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे लिख देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इंग्लिश में वीडियोस देखना पसंद है आप हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल ऑटो रेव्स भी चेकआउट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात किया इसके डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो साइड से ये कार काफी सिंपल लगती है, फ्रंट प्रोफाइल से काफी आपको स्टाइलिश देखने के लिए मिल जाती है। साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, तो सिटी में आपको निकालने में किसी भी तरह की इसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको रोड प्रेजेंस कमाल का चाहिए तो कुछ और ऑप्शंस के साथ आपको जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस कार के हेडलाइट और टेल लाइट के बारे में। दोस्तों इस कार का फ्रंट प्रोफाइल थोड़ा सा एग्रेसिव आपको देखने के लिए मिलता है इसके हेडलाइट और डीआरएल के डिजाइन के कारण। यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो दिया गया है, कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ फिनिश आपको मिल जाती है, क्रोम एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है, नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है, यहाँ पे आपको जो ग्रिल मिल जाती है। और हेडलैम्प के बारे में बात किया तो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप आपको दिया गया है जिसके अराउंड भी आपको क्रोम मिल जाता है, एलईडी डीआरएल आपका टर्न इंडिकेटर यहाँ पे जो है वो बन जाता है। और इस कार पे आपको जो है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको जो है फ्रंट में और आपके साइड्स पे भी आपको कैमरा दिया गया है। पीछे के बारे में बात की है तो यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो दिया गया है, सी शेप में आपको टेल लाइट मिल जाती है, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, ऊपर रूफ रेल्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपका जो है हाई राइडर का बैच दिया गया है, वी हाइब्रिड ये वेरिएंट है, नीचे स्किड प्लेट आपको सिल्वर में मिल जाती है, इंडिकेटर वहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको जो है इस कार का बूट स्पेस दिखाता हूँ। दोस्तों क्योंकि ये हाइब्रिड वेरिएंट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह इसके बूट स्पेस में आपको नहीं मिलती है, दो मीडियम साइज बैग यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली रख पाएंगे। पार्सल शेल्फ पे यहाँ पे थोड़ी सी जगह आपको मिल जाती है, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस आपको दिया गया है, यहाँ पे लाइट प्लेसमेंट है, चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है और इसको क्लोज करने के लिए आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, यहाँ पे बटन आपको नहीं मिलता है तो इस तरह से आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आपको इस कार की चाबी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की छोटी सी आपको चाबी मिल जाती है, इतनी महंगी कार के लिए इतनी छोटी सी चाबी, आई डोंट थिंक सो ये सही बात है। आपको क्या लगता है, आपके व्यूज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कॉमेंट्स में लिख करके। दो बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे, लॉक के लिए बटन है, अनलॉक के लिए बटन है, लॉक करेंगे तो डोर्स लॉक हो जाते हैं, मिरर्स आपके जो है फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे पैसिव एंट्री का बटन आपको जो है ड्राइवर को ड्राइवर साइड दिया गया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ चाबी जेब में रखनी है, यहाँ पे ये बटन आपको प्रेस करना है और आपका डोर जो है वो अनलॉक हो जाता है कुछ इस तरह से। अब जो है इसके टायर प्रोफाइल का मैं बात कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है कार के अंदर चलेंगे और फीचर्स और स्पेस के मैं बात कर लेंगे। दोस्तों आगे और पीछे आपको 215/60R17 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है वो काफी मुझे पसंद आया टू बी ऑनेस्ट। आपको कैसा लग रहा है, 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे इस डिजाइन को वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। पीछे भी आपको सेम टायर प्रोफाइल मिल जाता है और अपोलो के टायर्स यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इनसाइड द कार, अब बात कर लेते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ द अर्बन क्रूजर हाई राइडर। सबसे पहले यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, ये बटन प्रेस करके यहाँ पे कार को स्टार्ट कर लेता है। यहाँ पे कोई इस तरह से ये कार आपको वेलकम करती है, यहाँ पे आपका हेडअप डिस्प्ले आपको जो है ऊपर आ जाता है, यहाँ पे ये ग्लास एरिया है तो आपको जो है बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जो है नजर हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ये होता है कि 2 सेकंड के लिए आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखते हो उसी वक्त आपके आगे वाली गाड़ी ब्रेक मारती है या फिर कोई क्रॉस करते हुए निकल जाता है, तो ये चीज ना हो उसके लिए हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे जैसे ही आप कार स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है 360 डिग्री एक व्यू दे देगा ताकि आप सेफली जो है कार को यहाँ पे निकाल सके। यहाँ पे आपको आपका स्पीड दिखा रहा है, पार्किंग में कार है वो दिखा रहा है, आपका हाइब्रिड बैटरी दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है और यहाँ पे आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो 9 इंच का डिस्प्ले दिया गया इसके बारे में बात करेंगे, पहले इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो दिखाता हूँ आपको। मोशन यहाँ पे आपको दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाता है, ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर यूनिट्स, डोर लाइट एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारा आपको मिल जाता है। ओडोमीटर रीडिंग दिखा रहा है, स्पीडोमीटर वहाँ पे है, आपका फ्यूल गेज वहाँ पे है, यहाँ पे आपको लाइट के लिए लिवर है, यहाँ पे आपका वाइपर के लिए लिवर है, यहाँ से आप जो है वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के लिए बटन दिया गया है, हॉर्न जो है कोई इस तरह का साउंड करता है, यहाँ पे कुछ बटन दिए गए आपका हेडअप डिस्प्ले के लिए, यहाँ से आप हेडअप डिस्प्ले को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का व्यू के लिए बटन है,
यहाँ पे आप जो है हेडलाइट लेवलर है वहां से आप हुड और बूट अपना ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है पावर विंडोज के लिए स्विचेस दिए गए, क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है, 1 लीटर बॉटल वहां पे आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ से आप जो है व्यू का बटन प्रेस करेंगे तो आपको जो है 360 डिग्री व्यू दिखा रहा है, वापस एक बार प्रेस करेंगे तो ये कोई इस तरह का व्यू भी आपको जो है वो यहाँ पे शो कर देता है। एंड इस वक्त जो है कार बैटरी पावर पर है जिसकी वजह से इंजन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, कार स्टार्ट है इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अंदर आवाज़ बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाली है। पिन ड्रॉप साइलेंस है इनसाइड द कार और दरवाजे जो है वो एक प्रॉपर थर्ड के साथ यहाँ पे बंद होते हैं। यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बताया 9 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली आपको जो है यहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको दिखा रहा है। अब जैसे कि आपने देखा कि इंजन स्टार्ट हो गया है तो इंजन से पावर मिलना जो है वो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। कहाँ से आपको पावर मिल रही है वो बेसिकली यहाँ पे शो करता है, जब आप कॉन्स्टेंट स्पीड रखेंगे तो जो है बैटरी पावर पे भी ये कार चलती है। यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग्स दिखा रहा है, ये सारे नोटिफिकेशन दिखा रहा है, होम के लिए बटन है यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो है व्हीकल इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, डैशबोर्ड दिखा देगा, फ्यूल इकोनॉमी, वायरलेस चार्जर, यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है एंड फोन ऑब्वियसली आप पेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले भी मिल जाता है। एंड या दिस इज मच अबाउट इट एक्चुअली। यहाँ पे अगर आप देखें तो AC वेंट्स दिए गए, ये थोड़ा सा जो आउट ऑफ प्लेस मुझे लगता है, ये बहुत ही ज्यादा रेट्रो और पुरानी कार से लगा करके डाला हुआ है वैसा लग रहा है। यहाँ पे ये जो है थोड़ा और बेटर इसको जो है वो किया जा सकता था। यहाँ पे आपको AC के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ के लिए बटन है, वायरलेस चार्जिंग पैड है, USB चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे 12 वोल्ट का पोर्ट दिया गया है, रिवर्स पैनिंग कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको जो है कैमरा मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी डिसेंट इनफ है, बहुत ज्यादा खास यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। टॉप व्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ये रियर व्यू आपको जो दिखा रहा है, यहाँ पे रियर का वाइड एंगल व्यू आपको दिखा रहा है, ये आपके लेफ्ट का व्यू यहाँ पे शो कर देता है। अगर मैं इस कार को ड्राइव में डाल दूं तो ये फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो जाता है और ये फ्रंट का आपका जो है वाइड एंगल व्यू यहाँ पे शो यहाँ पे कर रहा है। अभी फिर से जो है इंजन ऑफ हो चुका है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इंजन ऑफ, कार स्टार्ट है, इंजन ऑफ हो गया है और बैटरी पावर इसको मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको EV मोड आपको मिल जाता है, ड्राइव मोड 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इको मोड मिलता है, पावर मोड मिलता है, कंफर्ट मोड मिलता है और इको मोड आपको जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो ये 3 मोड्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे वायर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको मिलता है, सो इट बेसिकली ब्लोज एयर, जिससे कि आपका शर्ट टी शर्ट पसीने में भीगेगा नहीं, जिस तरह से इस वक्त मेरा भीग रहा है, क्योंकि यहाँ पे AC मैंने ऑफ किया है ताकि जो है साउंड क्वालिटी बेटर आ सके। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो आप स्लाइड कर सकते हो इसको और ये ओपन भी होता है। तो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस आपको दिया गया है, अंदर भगवान का फोटो है, 5 का कॉइन किसी ने जो है वो रखा है। यहाँ पे आपको जो है आपका IRVM ऑटोमेटिक मिल जाता है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है, अगर आप सनग्लासेस के शौकीन हो तो ये फीचर आपकी कार में जरूर होना चाहिए। यहाँ पे लाइट प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको सनवाइजर मिलता है विद अ वैनिटी मिरर, तो आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पे आप वो जो है अपना चेहरा चेक कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तो मेकअप की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पता है मुझे आप मुंह धोके निकल जाते हो, सारे लड़के यही करते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लिखना मुझे कमेंट सेक्शन में। दिस वॉज अ जोक बट ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पे भी आपको आपका मिरर मिलता है और लाइट मिलती है, तो अगर आपको डेट पे जा रहे हो खुद को चेक करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब बात की जाए इसके सनरूफ के बारे में, तो यहाँ पे आप जो है सिंगल प्रेस करेंगे तो इसका सनरूफ को इस तरह से खुल जाता है, बहुत ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। तो अगर आपको खड़े भी रहना है तो आप इजीली खड़े रह सकते हो यहाँ पे, ऑब्वियसली आपको जो फोटो खिंचाने के लिए ही खड़े रहना है। बहुत ही मैसिव ये ओपन होता है, तो बाहर निकलना बहुत ही आसान जो है वो यहाँ पे हो जाता है। और खड़े अब तभी रहना आप जब आपको फोटो खिंचाना है, चलती गाड़ी में खड़े मत रहना वरना आपको चेस्ट इंजरी होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कुछ इतना स्पेस आपको मिल जाता है एंड या इसको बंद कर लेते हैं, ग्लव बॉक्स में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कोई इतना स्पेस आपको मिलता है इन द ग्लव बॉक्स ऑफ द कार। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिलता है, तो आप इसको जो ऊपर नीचे कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो आप टेलीस्कोपिक अप्रोच के लिए, आगे पीछे आप इसको जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक मैंने काफी सारी चीजें कवर कर ली है। इस यहाँ पे मैनुअल आपको मैनुअली इसके सीट को जो है वो एडजस्ट यहाँ पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती है, तो ये दिया जाना चाहिए था फीचर। सो गाइस ये था अबाउट द फीचर्स ऑफ द कार। अब जो सेकंड रो में चलते हैं, इसका स्पेस के बारे में बात करते हैं, फिर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे।
दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इन द सेकंड रो ऑफ द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर फॉर योर रिफिल। मी हाइट है 5'6" की। ड्राइवर सीट मैंने एडजस्ट कर लिया एज पर माई कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजिशन। यहाँ पे नी रूम जैसे कि आप देख सकते हो कुछ आधे हाथ जितना यहाँ पे बच रहा है। यहाँ पे आपको जो है न्यूज़पेपर होल्डर या फिर मैगजीन होल्डर दिया गया है। अंडर थाई सपोर्ट आपको जो है बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। यहाँ पे सीट कुशनिंग बहुत ही कमाल की आपको दी गई है। यहाँ पे एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे छोटी सी स्पेस आपको दी गई है। यहाँ पे शोल्डर रूम की बात की है तो इजीली आप जो है मेरे से 3 थिन एंड फिट लोगों को पीछे बिठा सकते हो या फिर 2 हेल्दी अडल्ट्स और एक बीच में बच्चे को आप बिठा पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको आपका होल्डर दिया गया है और आपको हुक मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है बीच में एक हम्प है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मिडिल पैसेंजर को जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड इसके आर्मरेस्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ। यहाँ पे डोर पैड्स में 1 लीटर बोतल आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिल जाती है स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। एंड या दिस इज मच अबाउट द स्पेस। अब जो है इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं और इंजन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो हाई राइडर हाइब्रिड को पावर करता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि कंबाइंड विद द इलेक्ट्रिक मोटर ये बनाता है 115.56 पीएस की पावर। यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल दिया गया है। यहाँ पे डंडी दी गई है आपको लगाने के लिए। यहाँ पे ये वाला जो लीवर है बहुत ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होता तो आपको जो है इसके हुड को ओपन करने में आसानी होती यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर पे कार स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली आपको जो है किसी भी तरह का साउंड सुनाई नहीं देता है इनसाइड द कैबिन। लेकिन जैसे ही आपका इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन साउंड आपको कैबिन के अंदर आती है। जब इसको भगाना स्टार्ट करेंगे तब जो है और भी ज़्यादा आवाज़ बढ़ जाती है और इंजन जो है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी साउंड नहीं करता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात की है तो डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा आपको जो चेहरे पे स्माइल भी लेकर के नहीं आएगा, एट द सेम टाइम आपको अंडर पावर भी ये कार फील नहीं होती है तो परफॉर्मेंस डिसेंट इनफ आपको मिल जाती है। अब ये इंजन आपको मिल जाता है ई ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ जो कि स्मूथ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। अगर आपने DCT चलाया तो उतना फास्ट ये गियरबॉक्स आपको नहीं मिलता है। सो ये बात रही अबाउट द इंजन परफॉर्मेंस एंड द गियरबॉक्स। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट एस्पेक्ट के बारे में जो कि है राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। दोस्तों इसके राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस का मैं बात किया है तो राइड क्वालिटी आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। सीट की कुशनिंग शानदार दी गई है तो ख़राब सड़कों से जब आप इसको लेकर जाएंगे तो आपको कंफर्ट ये कार काफ़ी अच्छा ऑफर कर देती है। हैंडलिंग के बारे में बात की जाए तो स्टेयरिंग व्हील में थोड़ा सा वेट पहले से आपको मिल जाता है। जैसे आप इसको हाईवे पे लेकर के निकलेंगे तो एक्यूरेसी जो स्टीयरिंग व्हील की होती है वो उतनी ज़्यादा खास आपको नहीं मिलती है। थोड़ा सा आप इनपुट देते हो स्टीयरिंग व्हील को उससे ज़्यादा ये इसके जो है पहिए वो घूम जाते हैं और जो है बॉडी रोल भी काफ़ी ज़्यादा आपको फील होता है। तो हैंडलिंग के मामले में ये कार बेटर हो सकती थी, थोड़ा और शार्पनेस इसके स्टीयरिंग व्हील में आ सकता था। अगर आप एक फैमिली पर्सन हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप जो है उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक एंथुजियास्ट है तो डेफिनेटली आपको जो है ये बात पता चलने वाली है। सो ये बात रही अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। अब बात करते हैं इस कार के ब्रेकिंग सेफ्टी फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में बात की है तो ब्रेक बाइट मुझे थोड़ा सा स्पॉन्जी लगा है। यहाँ पे स्टॉपिंग पावर उतनी ज़्यादा खास मुझे नहीं लगी है क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। अंडर हैवी ब्रेकिंग हजर्ड लैम्प भी इस कार के स्टार्ट नहीं होते हैं। कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेक्स यहाँ पे आपको नहीं मिल पाते हैं। सेफ्टी के बारे में बात की है तो 6 एयरबैग्स ABS EBD हिल होल्ड हिल डिसेंट कंट्रोल आपको ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर यहाँ पे दिया गया है तो ये सारे फीचर्स हैं। बात की जाए इसके एक शोरूम प्राइस के बारे में तो ये वी हाइब्रिड वेरिएंट जो है इसकी एक शोरूम प्राइस है 20,19,000 रुपीज़। अब इस प्राइस पे किन लोगों को ये कार लेनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फीचर्स चाहिए, अगर आपको सिंपल स्टाइलिश लुक्स चाहिए, अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए आपकी कार से, अगर आपको पेट्रोल कार ही चाहिए और अगर आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए अपने कार से कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कार है, सीट कुशनिंग काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, सस्पेंशन जो है वो सॉफ्ट दिए गए हैं, तो ये सारे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको इस कार के साथ जाना चाहिए। दोस्तों ये था एक डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर हाइब्रिड वेरिएंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है वो मुलाकात होगी। आप बने रहना ऑन द चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ। बाय बाय।